थैंक यू। फिल्मपाल सर अभी दो दो फिल्में बहुत चल नहीं रही, तो क्या लगता है अमीना का चांस है बहुत ज़्यादा चलने का? भाई देखिए जब अमीना आ जाती है तो हर मैदान अपना हो जाता है, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, दीवाने भी हैं और क्रू भी बहुत अच्छा है, सारी सारी निशान जो है उनके फेवर में है और कोई भी माई के नहीं, बस इतनी है फिलहाल। क्रू भी अच्छा है, बड़े भी छोटे भी फैन है और क्योंकि अमीना जैसे फिर मैदान में आ चुकी है, अब अमीना नहीं देखेगा वही होगा, कभी उसके अंदर कोई कमी नहीं होगा, माना करें बस आप सबको एडवांस में ईद मुबारक हो, आम आदमी को ईदी मुबारक हो और आम आदमी पार्टी को ईदी मुबारक हो। इसके मुकाबले में शायद ये इसलिए बड़ी गया छोटी गया पुरानी कमी है, इसी तरीके से बड़े बड़े मियाँ सड़े छोटे मियाँ जी ना जला फिल्म अच्छी हो सकती है कि मैं कभी देखी नहीं। नेटफ्लिक्स ने अच्छी फिल्म लाई है, अच्छा याद है नेटफ्लिक्स ने अच्छी फिल्म लाई है, अमर सिंह चमकीला रंगीला चमकीला अमर सिंह चमकीला जरूर फिल्म देखिएगा, एक बहुत ही सच्चे अच्छे कलाकार वाइफिक है और बहुत अच्छा काम किया है हमारे दिलजीत ने, मैं तो दिलजीत ही बोलता हूँ, रंजीत चोपड़ा ने बहुत अच्छा काम किया, इंतजार की फिल्म है और नेटफ्लिक्स अभी तक जो कचरा लाता रहा गंदगी लाता रहा उसने पहली बार अच्छा काम किया, उसने नेटफ्लिक्स को पहली बार आई लव यू इससे बड़े कचरा लाते थे गंदे के डब्बा थे, अब अच्छाई के डब्बा बन गए, वेरी गुड, ऐसी फिल्म लाते रहो। अमर सिंह चोपड़ा जैसी फिल्म लाओगे तुम्हारा भविष्य चमकीला होगा, हमारे लिए उनको गाना गाएंगे तुम्हारा सिंह होगा तो अमर रहो। वाह बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। नहीं कोई कमी ना, जिस फिल्म में कोई कमी ना उस फिल्म का नाम है अमीना, आप भी देखने आओ, क्यों आए क्यों देखें अमीना, आपका तो वैसे ही राज है, अक्षय कुमार हो सबके सब कुमार का राज है और एक राजकुमार हमारे थे जानी व्यक्ति को वोट करें। देखिए वोट करना आपका जाति मामला है, वोट करना आपका जाति मामला, उसे जाति मामला ना बनाए, हमारा धर्म का इसलिए ना देश के धर्म का कहने वोट करने वोट करें और कास्ट के लिए वोट ना करें, वोट करें मैम। बहुत अच्छे लग रहा है देखा, और ये फिल्म पूरा प्रदेश ब्लैक मनी नहीं कमाएगी व्हाइट मनी कमाएगी, और व्हाइट मनी दिखती कैसी है पूरा व्हाइट एंड व्हाइट बिजनेस करेगी, बहुत सारा पैसा है। रेखा जी क्लोज हो थोड़ा, आइए रेखा जी, तो मैं समझता हूँ कि रेखा जहाँ जुड़ जाती है वहाँ पैसे जुड़ जाते हैं, आपने कौन बने का करोड़पति में देखा होगा कि जीवन रेखा तीन तीन वैसे एक रेखा ये मान लेगा, सो ऑल द बेस्ट, लाइफ लाइन बनी रहे और अमीना चलती है। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सर, लीड एक्टर्स
दूसरा मीना का, तीसरा अमीना के रूह का। Distributing the movie worldwide, distributing the music of the movie worldwide. Yes. And बस बहुत खुशी है, बहुत सुंदर movie है और all the 8 songs are very different, very entertaining and very subtle message has been given. And I'm so happy that women empowerment की बात बहुत अच्छी तरह से, बहुत एंटरटेन के साथ, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और बहुत अच्छी तरह से गाया। जावेद अली जी ने बहुत सुंदर गाना गाया है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है एंड वीडियो बहुत मैग्निफिसेंट वीडियोज़ है। बहुत इस्माइल दरबार ने उसका बैकग्राउंड स्कोर दिया है एंड रेड रिबन ने उसको रिलीज़ किया है। म्यूजिक रेड रिबन इज रेड कलर विच इज फायर। आवर ऑल आवर सॉन्ग्स आर वायरल because of this lady over here. It's my privilege. बहुत अच्छा director हमारे साथ में, उनका vision इतना अच्छा है, amazingly projection बहुत अच्छा है movie का। I'm so happy कि आप इतनी अच्छी बात इतनी अच्छी तरह से। Red Ribbon is going to be the topmost music company in India in the next couple of years. Thank you. Doctor Professor Krishan Kumar Pawar. The play part has been written by very big writer of Urdu, Dr. Apna Aftab Hasnain Sahab. So he is the writer of the non-play part. तो बोलो। Yes sir. अच्छा प्रयास है मूवी का, जिसमें आपने एक बहुत बड़ी समस्या और देखा जाए तो हंसने को आपने इसमें उठाया है, जो कि आए दिन हमारे समाज में हो रहा है। सर जी, रिसर्च से अच्छा तो ये कहे कि मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था। मैं एक तो लिटरेचर का प्रोफेसर हूँ, PhD किया है लिटरेचर में। हमारा तारा भी जो था लेडीज़ के प्रॉब्लम पर ही था, इट वॉज फेमिनिस्ट मूवी। और फिर इसके बाद ये समस्या भी ऐसी समस्या थी जो इस माध्यम से कहना बहुत ही निहायत ही ज़रूरी था। इसलिए मेरा रिसर्च बोलो या मेरा ऑब्जर्वेशन बोलो या मेरा रीडिंग बोलो, हमारा समाज, हम लोग कहने के लिए कहते हैं कि हम औरतों की या देवी की पूजा करते हैं, लेकिन क्या ये इतना भी सच है? औरत को देवी बना करके पूजा घर में रखना और उसे इंसानों के जैसा ट्रीट करना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं।
और इस सिनेमा में दिखाने का हमारा यही एक प्रयोग था, एक प्रयास था कि औरत को पूजने की जरूरत नहीं है, उसे बस इंसान के तरह तुम लोग ट्रीट करो, उसे इंसान समझो, वो कोई चीज़ नहीं है कि बड़ी बेटी हो गई, शादी के लायक हो गई, पैसों के लिए उसे बेच डालो। अगर माँ बाप ही ऐसा करने लगे, चलो ये तो माँ बाप की बात हो गई, समाज भी उसके तरफ जो देखने का आज देखता है, उसे एक वस्तु के तौर पर देखता है। आज लड़की की हम शादी करते हैं तो हम लोग कन्या का दान करते हैं, जैसे कोई चीज़ हो जिसे दान में दे दिया। ये कहाँ की संस्कृति है हमारी? अरे किसने लाई है सारे हमारे सामने, जो ये इतने जो विचार हमने जो रखे हैं, या हमारा जो जिसे हम लोग कल्चर कहते हैं, कहाँ से आया ये सब? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, और हमें यकीन है ये लोगों को बहुत पसंद आएगी। जो बंदा ये सिनेमा देखेगा वो अपना समय और पैसा खर्च करने पर पछताएगा नहीं, इसकी हम लोग गारंटी देते हैं पूरी ईमानदारी के साथ। ओके बोलूँ मैं, क्या मैं सबसे पहले कुमार राज जी को बधाई देता हूँ इस फिल्म के लिए, क्योंकि एक फिल्म बनाना और थिएटर तक लेके आना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और उनकी पूरी टीम ने मेहनत करके खूबसूरत बिना फिल्म बनाई है, मतलब बहुत ही समाज के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर ये फिल्म है। तो कुमार राज और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट भी करी है और प्रोड्यूस भी करी है। बेस्ट विशेष ख्याल दिल में आया है, इसलिए शाहिद के साथ आप लोगों ने मेहमानों को बुलाया। फिल्म का नाम है अमीना, इसके अंदर एंटरटेनमेंट की कई कमी ना, बिल्कुल इसको आसमान भी देखना सिर्फ जमीन है। सुनील भाई हमारे बहुत ही बहुत बढ़िया नारी शक्ति पर है ये फिल्म, मैं समझता हूँ कि ये हर महिला को देखनी चाहिए और हर पुरुष को देखनी चाहिए, परिवार को देखनी चाहिए। साफ सुथरी फिल्म है, लेकिन एक नारी शक्ति का एग्रेशन जो है वो ज़रूरी है आज के ज़माने में। मैं समझता हूँ कि सही मैसेज है राज भाई ने, राजकुमार साहब ने, कुमार राज साहब ने बहुत सही फिल्म बनाई है, और यहाँ जितनी भी महिला की आवाज़ें आ रही है वो नॉर्मल बातचीत की आवाज़ नहीं, ये नारी शक्ति की आवाज़ है। और रेड रिबन से इसका म्यूजिक आ रहा है, तो मैं रेड रिबन और ललिता जी को भी बधाई देना चाहूँगा। देखिए नारी शक्ति पर फिल्म, तो फिल्म का जो म्यूजिक भी है वो रिबन से आ रहा है, रिबन से आ रहा है, और ललिता जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू जी। हाँ बड़े में छोटे में एक फिल्म ऐसी मुझे लगती है जैसे किसी नए सीएम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, BM CM, बड़े में छोटे में BM CM। और ये फिल्म जो है मुझे लगता है कि बहुत पैसा कमाएगी, हमारे अली अब्बास जफर की फिल्म बहुत पैसा कमाएगी, क्योंकि इस फिल्म में ATM है, अक्षय, टाइगर, मानुषी, इसमें कुछ चिल्लर मत समझो, बहुत पैसा कमाएगी, ATM चलता रहेगा। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो है, देखिए बड़े मियाँ भी आ गए, ये छोटे मियाँ, और बीच में सॉरी बीच में नॉर्मल मियाँ, नॉर्मल मियाँ, हाँ हाँ सॉरी हाँ रिसर्च का क्या रिसर्च हुआ? बहुत ही रिसर्च किया इसके ऊपर में, अभी बारिश हो रही है, पैसों की रिसर्च की बात ही मत करो। इन्होंने रिसर्च किया, प्रोड्यूसर ने खर्च किया, और हमने सर्च किया फिल्म को, और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है सभी लोग सर्च करेंगे और सब देखिए आज की हीरोइन क्या है, बहुत बढ़िया एक्टिंग, बहुत बढ़िया एक्टिंग की आपने। दादा नमस्कार, चलिए थैंक यू, थैंक यू।
बाजू में वाइट है, इधर ब्लैक है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि पैसा जो है ब्लैक एंड वाइट में आने वाला है। अमीना फिल्म को हम सब देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये फिल्म एंटरटेनमेंट से भरी पड़ी है। सर्च बहुत अच्छा किया गया, इन्होंने रिसर्च बहुत अच्छा किया है और पुरुषों ने खर्च बहुत अच्छा किया है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये फिल्म पूरी दुनिया में सर्च की जाएगी, बच्चों से लेकर बुजुर्ग पूरे परिवार इस फिल्म को देखेगा, क्योंकि अमीना फिल्म में कोई कमी नहीं। अमीना पिक्चर के लिए इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉल आ रहे हैं, आप हैरान हो जाओगे कि सबको हमारी पिक्चर चाहिए। एंड दिस मूवी अमीना इज स्प्रेडिंग इन टू दिस कंट्री लाइक फायर, नॉट ओनली इन इंडिया, ये पिक्चर पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। के ग्लोबल फिल्म्स उसको पूरे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 19th पे पूरे दुनिया में लगने वाली है। सो प्लीज सी वो मूवी एंड एंजॉय। ग्लोबल फिल्म पूरा ग्लोबली कर रहा है, ग्लोबल पूरा ग्लोबल कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इनके प्रेमी और इनके यार, इनके प्रेमी और इनके यार दोनों मिलके बनाइए प्रीमियर। तो ये प्रीमियर जो है हिट हुआ है, प्रीमियर में ही हिट है, तो फिर सोच लीजिए कि आगे की तरफ कितना। मेरे को इतना अच्छा लगा, अच्छे अच्छे सीन्स पे लोग ताली बजा रहे थे, तो इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, सो ऑल द बेस्ट। ये अमीना मैदान में आ चुकी है, तो इसे छोटे मियाँ बड़े मियाँ सब देखेंगे, पूरा क्रू देखेगा। करेक्ट। और एक्टिंग वाज लाइक देखा रहना इज ऑसम। सॉरी आई डिडंट गेट यू। इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म जो कि एक फीमेल के ऊपर बेस्ड है, और आजकल के जो भी सिनेमा है उससे बहुत ज़्यादा अलग है। तो एक औरत कभी भी कमज़ोर ऑब्वियसली नहीं है, हमेशा स्ट्रॉन्ग अंदर से ही मजबूती आती है, चाहे हालात कैसे भी हों। सो इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी गुड मूवी, आई लाइक द फिल्म, और मैं इसको बिना आप लोगों के क्वेश्चन पूछे ही 5 में से 5 थे। थैंक यू सो मच। जैसे फिल्में बहुत ही कम बनती है, बहुत ही गंभीर मुद्दे को बहुत ही सरल तरीके से दिखाया गया फिल्म में, रेप जैसे गंभीर मुद्दे को बहुत ही खूबसूरती की तरीके से दिखाया गया फिल्म में। फिल्म को ये कहना चाहूँगा कि मैं स्टारकास्ट भले ही नहीं है, जो फिल्म का मुद्दा है बहुत ही स्ट्रांग है, लोगों को इस तरह की फिल्म देखना चाहिए। जो समाज में बुराई जो चल रही है, रेप जो बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, अगर इस तरह की फिल्में बनती हैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होगी और लोगों को पता चलेगा कि रेप करने के बाद किस तरह का कानून बना है। ये फिल्म वाकई में हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए ताकि लोगों के अंदर ये मैसेज आए। सर बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है, थैंक यू सर, देखकर बहुत खुशी हुई है। इतने गंभीर मुद्दे को आपने बहुत ही सरल और बहुत ही सहज तरीके से लोगों के सामने पेश किया, लोकेशन बहुत अच्छे यूज़ किए, गाने अच्छे यूज़ किए, आपके स्टार्स नए थे लेकिन स्टार्स में दम था सर। और आपके रोल की भी तारीफ करूँगा, बहुत अच्छे आपने पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया सर। पुलिस ऑफिसर का रोल इसीलिए निभाया क्योंकि जिस एक्टर को लिया था वो लास्ट मोमेंट पे आया नहीं, तो उसकी ड्रेस पहन के मैं ही खड़ा हो गया। मैं बोल सकता हूँ कि सर ऑलराउंडर है, यही कैप्टन ऑफ द शिप भाई। कुछ दो शब्द राम के तरफ से कुछ शब्द, तो पिक्चर में भी राम का नाम आता है जी। आया सवाल का है, सवाल 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 दोस्तों, मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, मेरा नाम रामा मेहरा है, और कुमार राज साहब की ये दूसरी फिल्म देख रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। इसके पहले भी इन्होंने एक फिल्म बनाई थी ताया करके, जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर अवार्ड शो में दिखाई गई, और जहाँ तक पूरी दुनिया के जितने भी अवार्ड शोज होते हैं हर अवार्ड लेकर के आई थी ताया फिल्म। और काफ़ी सालों बाद कुमार राज साहब फिर एक फिल्म लेके आए हैं, उसका नाम है अमीना, और ये फिल्म भी हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने का अवार्ड लेके आएगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों, एज ए फिल्म मेकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बड़ी डिफरेंट स्क्रीन प्ले है इस पिक्चर का, जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत डिफरेंट है, रूटीन स्क्रीन प्ले नहीं है। मैं खुद राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर्स भी हूँ, तो जब ये पिक्चर मेरी टेबल पर आई थी तो मैंने पोस्टर देख के बगैर कुछ काट छांट के इसमें साइन कर दिया था पोस्टर्स पे, और आज ये पिक्चर स्क्रीन तक पहुंच गई। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कुमार राज एंड पूरी टीम के लिए कि इस तरह की फिल्में बनाते रहें और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फिल्म मेकर को एक नए नए सबक सिखाते रहें।
थैंक यू। पिक्चर लगी हुई है, चलो देख लेते हैं। काफ़ी बढ़िया मैसेज गया है इसमें, जो संदेश दिखाया गया है एक बहुत बेहतरीन संदेश है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, रेप होता है, उसका एक अलग इंसिडेंट होता है। जिस बारे में समाज के लिए कुछ बहुत एक अच्छा लेसन दिए जा रही है। एक्टिंग बढ़िया है, स्टोरी लाइन वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। फिल्म बहुत खूबसूरत है, मैंने शुरू से लेकर एंड तक फिल्म को पूरे ध्यान से देखा। जैसे इंटरवल तक मेरे आंखों में आंसू थे, आत्मा को छूती है फिल्म। और हिंदी की इज्जत रखिए, जैसे इंग्लिश में नाम होते पिक्चर में, यहाँ पर हिंदी में नाम है सारे एक्ट्रेस के, सारे टीम के। तो बॉस बहुत सुंदर पिक्चर है, और बॉलीवुड में ऐसे बहुत कम लोग होते जो ऐसी फिल्में बनाते हैं। और कुमार राज जैसे डायरेक्टर फिल्म मेकर की ज़रूरत है बॉलीवुड को, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, इट्स अ मास्टरपीस। ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, कुमार राज सर और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं गुजरात से हूँ, और पूरे गुजरात में मैं बीजेपी से हूँ, और पूरे गुजरात में जितनी भी क्लबें हैं सबको ये मूवी दिखाने का पूरे पूरा प्रयास करूँगा। और ये मूवी चलनी चाहिए, पब्लिक को ऐसा मूवी देखना ही चाहिए। ये मूवी एक सोशल थॉट पर डिपेंडेंट है, और ये फिल्म बहुत अच्छी है। आई एम श्योर कि ये मूवी देख के लोगों के माइंड में जो एक सोशल अवेयरनेस आएगा वो बहुत काम का होगा। सो आई एम श्योर दैट दिस विल बी अ ग्रेट सक्सेसफुल फिल्म। थैंक यू वेरी मच। अमीना ये बहुत ही अच्छी फिल्म है। अमीना की सबसे अच्छा पार्ट जो हमें लगा है वो पैरेलल थिएटर और सिनेमा, जो डायमेट्रिकली अपोजिट प्लॉट लेके चलती है। और ये जेंडर सेंट्रिक, वुमन सेंट्रिक इशू लेके, थीम लेके फिल्म राइटर डॉक्टर किशन पवार और डायरेक्टर कुमार राज साहब ने बहुत ही अच्छा ये फिल्म बनाया है। और मैं आई एम वेरी श्योर दैट दिस फिल्म इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट वन इन टुडेज़ टाइम। थैंक यू। अमीना एक बहुत ही सुंदर मूवी है, मेरे ख्याल से हर कॉलेज की हर लड़की ने, हर टीचर ने ये देखनी चाहिए। और कुमार राज जी का डायरेक्शन जो है बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने डायरेक्ट किया है। और ये जो दो कहानियाँ एक जगह पे आई है, टू पैरेलल स्टोरी, एक मीना और अमीना की, ये पहली बार आई थिंक बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुआ है। तो इसके लिए और भी लोगों ने जो फिल्म स्टडीज़ करते हैं वो बच्चों ने भी ये मूवी देखनी चाहिए कि हाउ टू कंबाइन टू स्टोरीज टुगेदर। और जो लेखक है उनकी कहानी भी बहुत सुंदर है, दो अलग अलग कहानियाँ में इसमें हैं। सो आई थिंक ईच एंड एवरी वुमन शुड वॉच दिस मूवी। थैंक यू सो मच। अमीना जो फिल्म है, दिस इज़ रियली वेरी नाइस वन, एंड इन विच यू कुड सी द एलिमेंट्स ऑफ थिएटर, द एलिमेंट्स ऑफ इंडियन सिनेमा एंड बॉलीवुड। यू कैन जस्ट सी दैट दे हैव बीन कंबाइंड टू गिव अ वेरी ग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज टू द सोसाइटी एंड फॉर द वीमेन एंड फॉर देयर प्रोटेक्शन। एंड ऑफकोर्स दिस फिल्म विल गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट अपॉन द साइकी ऑफ इंडियन पीपल। और ये फिल्म बहुत अच्छा एक अच्छा मैसेज देती है, ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं लता है, और मैंने इसमें अमीना की मदर का रोल, अम्मी का रोल अदा किया है इसमें, लता है जी। हाँ जी, सॉरी। क्वेश्चन अमीना फिल्म काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि खास करके महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पे एक तरीके का कटास है सरकार के खिलाफ में, और इस तरीके की मूवी बनती रहनी चाहिए। और खास करके ये बताना चाहेंगे, इस मूवी में एक खास तौर पर एक इंडिपेंडेंट लड़की को खड़ा करने की कोशिश जो है वो सभी ने किया है यहाँ पर, ताकि जो लेडीज़ होती हैं वो घर से आराम से निकल सके, सेल्फ डिफेंस जैसी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट किया गया था। तो इस तरीके की मूवी बननी चाहिए, हर लड़की को इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ अपनी सुरक्षा करना आना चाहिए। 5 में से 4 स्टार देना चाहेंगे।